Welcome back our channel, आप सभी का मेरे पर स्वागत और आप सभी को पता है है कि हमने 40 days crash course start किया है, जिसके अंदर आज हमारा डे वन है ठीक है डे वन है और डे वन में हम अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं भाई पहला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ठीक है तो ये जो है हमारा पहला सब्जेक्ट है जो कि आज हम करने वाले हैं तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है आर्किटेक्चर से आप क्या समझो आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर का पूरा डिज़ाइन बताना कि किस किस तरीके से कंप्यूटर अटैच है क्या चीज़ें हैं उसके अंदर किस तरीके से डेटा आता है सी कैसे एड्रेस जनरेट करता है फिर कहाँ देखेगा उसके बाद कहाँ जाएगा ये सारी चीज़ें है ना कुल मिला के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपकी दो चीजें होती है एक होते हैं आपके कंपोनेंट ऑफ सीपीयू और एक होती है आपकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से जो है आपका जो सीपीयू है जिस किस किस सी पी जो आपका कंप्यूटर है वो काम करता है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है है ना तो अब ये फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर तो ये दो पॉइंट्स हैं जो हम आ, जो हम पूरा जो आपका सिलेबस है जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लाइक like आपके जो सिलेबस में मेंशन है यहाँ पे फंक्शनल यूनिट सेम है कि भाई क्या क्या होती हैं ठीक है जो आपका बेसिक है कंप्यूटर का वो आ जाएगा बसेस किस तरीके से आपस आप में इंटरकनेक्ट होती हैं कितने टाइप की आपकी बस होती है रजिस्टर क्या होता है कंट्रोल यूनिट क्या होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती हैं देखो वैसे तो अगर नॉर्मल सिलेबस पढ़ोगे ना चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि भाई आर्किटेक्चर में हमें दो चीजें करनी है एक करना है कंपोनेंट और एक करना है फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ किस तरीके से जो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं किस तरीके से फंक्शनिंग होती है तो सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं कंपोनेंट ऑफ सीपीयू सीपीयू यू आपकी क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू आपका क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और जैसे ही हमारा ब्रेन यहाँ पे दिमाग है वैसे ही आपके कंप्यूटर का ब्रेन क्या है सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है अब सीपीयू के अगर कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो आपको पता है सीपीयू में जो है तीन चीजें होती हैं एक होता है आपका यहाँ पे ए एल यू दैट इज जिसको हम आर्थमैटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ठीक है जिसमें आप कैलकुलेशन वगैरह करवाते हो एक होती है आपकी कंट्रोल और एक होता है आपका रजिस्टर्स ठीक है रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं जिसमें आप टेम्पररी जो है डेटा को स्टोरेज करवाते हो कुछ टाइम के लिए ठीक है इनका साइज बहुत कम होता है और ये जो है किससे बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से ठीक है और कितना डेटा स्टोर करते हैं वन बिट एक टाइम में वन बिट डेटा को स्टोर करेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपसे पूछ सकता है कि रजिस्टर कैसे बने होते हैं किस ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है ठीक है कितने बिट डेटा स्टोर करता है वन बिट तो कंपोनेंट में सीपी कंपोनेंट ऑफ सी पी यू में आपकी तीन चीज़ें हो गई क्या क्या हो गई ए हो गया सीयू हो गया रजिस्टर्स हो गए क्लियर है भाई इतना क्लियर है ठीक है अब देखो यहाँ पे अब देखो मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई कैश मेमोरी क्या होता है मेन मेमोरी क्या होता है उसके बाद जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी क्या है किस तरीके से डेटा जो है आता है यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं हिट रेशो ये रेशो है ना तो यहाँ से मेमोरी के ऊपर से क्वेश्चन भी आते हैं तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ठीक है या फिर कैसे को कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है सबसे फास्ट लेवल कौन सा है सबसे छोटा साइज किसका है ठीक है सबसे पहले किसको असेस कर सकते हैं तो ये सारी चीजें और एक आता है आपका आईओ इंटरफेस दैट इज इनपुट आउटपुट इंटरफेस ठीक है और इन सभी को आपस में कौन कनेक्ट करता है भाई बसेस बसेस जो है इन सभी को आपस में कनेक्ट करती हैं दैट इज सिस्टम बस और सिस्टम बस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक आपकी कंट्रोल बस होती है एक एड्रेस होती है और एक आपकी डेटा बस होती है ठीक है कि कब एड्रेस लेके जाना है कब डेटा लेके जाना है कब कंट्रोल करना है किसको देना है किसको नहीं देना है ये सारे काम जो आपके बसेस के रहते हैं अब आप मुझे बताओ जब बस में ही नहीं होंगे बीच में इंटर इंटर कनेक्शन ही नहीं होगा एक दूसरे से जुड़ेंगे ही नहीं तो किस तरीके से डेटा जाएगा है ना कि भाई सपोज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरी फैमिली कहीं और है तो भाई डेटा मतलब जब तक हम जब तक कोई मीडियम साधन नहीं बनेगा या तो कोई यहां से बंदा जाए फॉर एग्जाम्पल कि सपोज मैं अभी फिलहाल एम में हूँ ठीक है और मेरी फैमिली है हरियाणा में मुझे सपोज उनको कुछ भेजना है ठीक है ऑनलाइन नहीं भेजना मतलब मेरे पास है मुझे उसको भेजना है तो मैं कोरियर करवाऊंगी मतलब कुछ ना कुछ तो मीडियम बनेगा या फिर अगर यहाँ से कोई बंदा हमारे नोन जा रहा है तो हम उसके हाथ भिजवा सकते हैं तो मतलब सीधे सी बात ये है कि आपको जो है बीच में कुछ ना कुछ, कुछ इन मीडियम चाहिए सिर्फ मैं यहाँ बैठ के सोचती रहूँ कि नहीं मुझे तो भेजना है लेकिन वो जाएगा कैसे क्या वो हवा में उड़ के चला जाएगा नहीं भाई ठीक है तो कुछ ना कुछ एक रास्ता तो चाहिए ना कुछ इंटरकनेक्शन तो होना चाहिए जिस तरीके से हम उसके बीच में भेज सकें ठीक है तो सेम ऐसे ही है जब सीपीयू को डेटा लेना होता है डेटा देना होता है एड्रेस जनरेट करता है नहीं मिलता जब इनपुट आउटपुट इंटर इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं आपके लाइक इन जो कीबोर्ड माउस इन सभी से अगर उसको इंटरफेस करना है तो किस तरीके से करेगा तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस की हेल्प से क्यों क्योंकि सीपीयू जो है उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है लेकिन जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक इन सब की जो स्पीड है वो क्या होती है बहुत स्लो होती है ठीक है इसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते देखो भाई हम तो दूसरे उसमें पहुंच गए अब आप भी कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है इतनी लंबी चौड़ी में रामायण आपको नहीं पढ़ा रही हूँ आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सीपीयू के बारे में ठीक है फिर हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट टॉपिक आपका जो है इनपुट आउटपुट इंटरफेस रहेगा तो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में आपकी क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं एल यू आपको पता ही है, होती है जितने भी जो भी आपको वो आपको आप कहाँ से करवाओगे एएल से तो करवाओगे मैं बोलूँगी भाई बस जो है वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करवा दे हो जाएगा ऐसा है ना तो ये वाला जो काम है एग्जीक्यूशन का कौन करवाएगा आपका जो है ए एल यू करवाएगा और मैं बोलूँ कि डेटा को स्टोर करवाना है तो क्या कंट्रोल डेटा को स्टोर करवा लेगी नहीं भी उसके लिए मुझे क्या चाहिए रजिस्टर्स ठीक है तो यहां पे मैं बात करती हूं आपके ए एल यू सी यू और रजिस्टर्स ठीक है जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं अब रजिस्टर से पहले थोड़ा सा जो है बेसिक uh, देख लो ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके हाँ जी कंप्यूटर क्या होता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है ठीक है स्टार्टिंग से ही बचपन से ही मतलब जब से कंप्यूटर पढ़ रहे हो एक डायग्राम देखते आ रहे होगे कि बीच में ये प्रोसेसर लगा दिया मैंने ये प्रोसेसर है आपका ठीक है इधर मैंने इनपुट लिख दिया उधर मैंने आउटपुट लिख दिया बचपन से यही देखते आ रहे हो यही जब जनरल सॉरी जब से कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया तब से ठीक है नॉर्मली बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास के बाद जो है कंप्यूटर देखा होगा जब वो कंप्यूटर की फील्ड में गए होंगे उससे पहले उनके पास कंप्यूटर नहीं था ठीक है बहुत ऐसे होंगे जो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हर तरह के लोग हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर की टाइप हम बताएंगे कंप्यूटर की आपकी जो टाइप्स होती हैं पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है नोटबुक कंप्यूटर हो सकता है वर्क स्टेशन हो सकता है एंटरप्राइज सिस्टम हो सकता है सुपर कंप्यूटर हो सकता है ठीक है तो सीधी सी बात यह है कि आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक भी देखना पड़ेगा कि भाई जो आपके टाइप्स हैं कंप्यूटर के कौन से हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज करते थे सेकंड में क्या यूज करते थे थर्ड में क्या यूज करते थे फोर्थ जनरेशन में क्या यूज किया फिफ्थ में क्या किया ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब आपका होमवर्क मैं यहाँ पर दे देती हूँ आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन जो आपका कंप्यूटर था उसमें हम किसको यूज करते थे सेकेंड में किसको यूज करते थे थर्ड में किसको यूज करते थे फोर्थ में और अभी लास्ट फिलहाल जो है हम फिफ्थ uh, जनरेशन में क्या यूज करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई यूएलएसआई क्या होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ठीक है बाकी जो ये चार जनरेशन इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आ, इन चार जनरेशनों में क्या यूज किया जाता है क्लियर है भाई ओके okay. ये आपके सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्यों यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपका पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था इंडिया का और अभी हाल फिलहाल जो है आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है और आपका वर्ल्ड में कौन सा है फास्टेस्ट कंप्यूटर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है, है ये आपकी फंक्शन यूनिट है ये आपका इनपुट है ये आपकी लॉजिक यूनिट है ये आपकी इनपुट है ये आपका आउटपुट है ये मेमोरी है ये प्रोसेसर है ये आपकी कंट्रोल यूनिट है ठीक है तो सीपीयू में तीन चीजें होगी एएल यू और आपका कंट्रोल यूनिट ठीक है तो ये फंक्शन यूनिट है आपके कंप्यूटर की ये सारी चीजें जो है आप आपस में कनेक्टेड होती है हो और इसी से जो है कंप्यूटर की फंक्शनिंग करते हो अब देखो इनपुट यूनिट क्या होती है इनपुट वो होती है जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को डेटा प्रोवाइड करते हो क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका यूजर है ये यहाँ पे देखो ये आपके क्या है ये आपकी इनपुट है ठीक है जो आपका यूजर है वो कैसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है भी जो ह्यूमन की लैंग्वेज है लाइक हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है लाइक सी सी प्लस प्लस जावा इन सबकी प्रोग्रामिंग जो आप इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में लिखते हो लेकिन जो आपका कंप्यूटर है यानी कि जो आपका यहाँ पे आपका सीपीयू है ना तो ये जो आपका प्रोसेसर है क्या वो ये हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है नहीं भाई ये तो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है इसको तो समझ में नहीं आती इंग्लिश लैंग्वेज ये तो जीरो और वन की भाषा को समझता है अगर आप फोर्टी फाइव भी देते हो तो इसको जो है आपको जीरो वन में लिखना पड़ेगा ठीक है अगर आप ऐड का सिम्बल देते हैं कि भाई मुझे एडिशन करवाना है तो जो, तो भी जो है इस ये किसको किस में चेंज करेगा जीरो वन जीरो जो भी इसके रिगार्डिंग ऑपरेशन परफॉर्मड है जो भी सेव है वो यहाँ पे जो है यूज करेगा क्योंकि इसको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो ऐड क्या होता है ए क्या होता है बी क्या होता है इसको कुछ भी नहीं पता ठीक है इसको सिर्फ भाषा समझ में आती है वो जीरो और वन की ही भाषा समझ में आती है बाकी इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है ठीक है ओके इनपुट यूनिट क्या होती है वही इनपुट देने के लिए यूज करते हैं लाइक जॉयस्टिक वगैरह हो गई जो ट्रैक uh, बॉल हो गया माउस हो गया कीबोर्ड से आप जो है एंटर करवाते हो माउस से जो है इनपुट को एंटर करवा सकते हो ये सारे आपके क्या हैं इनपुट डिवाइसेस उसके बाद आता है आपका मेमोरी यूनिट मेमोरी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड जो इसका असेस टाइम है इसको असेस करने का जो टाइम है वो जो है कम होता है हाँ जी तो ये जो मेमोरी वाला कंसेप्ट है ये कंप्लीट हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे जिसमें प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कैशर मेमोरी कैशर के टाइप्स लेवल्स वगैरह किस तरीके से होगा किस तरीके से होगा ये सारी चीजें हम वहां पर करेंगे ठीक है तो अभी हम हाँ आज बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट्स देखेंगे ठीक है तो ये सारा जो है हम करेंगे वहां पे अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि कंपोनेंट में सबसे पहले आता है रजिस्टर और रजिस्टर के अंदर जो टाइप्स हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं कि भाई एड्रेस रजिस्टर क्या होता है प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर करवाते हैं स्टेटस रजिस्टर क्या होता है ठीक है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी बफर रजिस्टर ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे तो हेडिंग डाल लो भाई रजिस्टर्स सबसे पहले रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे ओके okay. रजिस्टर की दो टाइप्स होती हैं एक होता है आपका जनरल पर्पज ठीक है जो जनरल पर्पज के लिए करते हैं एक होता है आपका स्पेशल पर्पज ठीक है स्पेशल से समझ में आ रहा होगा क्योंकि स्पेशली अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम यूज करते हैं किसका स्पेशल परपज का तो अब हम देखते हैं टाइप तो सबसे पहले देखो रजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है रजिस्टर जो है क्या होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर आपके क्या होते हैं ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है मतलब फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है और इसमें रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करते हैं वन बिट डेटा क्वेश्चन आ सकता है भाई एक तो डेफिनेशन पूछ लेगा कि किस चीज का ग्रुप होता है तो फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है आपको अगर पता है कि फ्लॉप क्या होते हैं तो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो भी वन बिट डेटा को स्टोर करते हैं ऐसे ही रजिस्टर भी जो है वो वन बिट डेटा को ही स्टोर करेगा ठीक है अब मैं यहां पर बात करूं आपसे ये देखो टू जीरो फोर एट सिक्सटीन में पे लिखती हूं ठीक है तो यहां पे ये जो है ये क्या है आपका इसको आप टू की पावर इलेवन लिख सकते हो टू की पावर इलेवन लिख सकते हो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते फटाफट बताइए देखो टू इंटू वन टू टू इंटू टू टु, टू सॉरी फोर है ना टू इंटू थ्री एट फोर सिक्सटीन टू इंटू फाइव थर्टी टू टू इंटू सिक्स फोर अरे नहीं 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 ऐसे नहीं होगा ये एक सेकेंड भाई एक सेकेंड मैं भी आपको टेबल्स लिखवाने लगी टेबल नहीं लिखनी हमें एक सेकेंड भाई आ, एक सेकेंड एक सेकेंड फिर से बनाती हूँ मैं टेबल लिखवाने लग गई मैं भी है ना टू जीरो फोर एट इंटू सिक्सटीन इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू दोनी चार चारूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह चौस एक दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन दो सौ छप्पन पांच सौ बारह दूनी वन जीरो टू फोर दैट इज वन जीरो बन गया टू की पावर टेन देख लो कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसको हम टू की पावर टेन लिख सकते हैं क्योंकि दस बार मैंने टू की मल्टीप्लाई की है और ये किसके बराबर है ठीक तो तो ऐसे ही मैं एक और टू लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका फोर जीरो नाइन सिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो इसको आप टू की पावर ट्वेल्व लिख सकते हो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते क्लियर है भाई क्लियर है इतना क्लियर है ओके अब देखो फिर से बना लो टू जीरो फोर एट इंटू सिक्सटीन तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो टू की पावर इलेवन है ये यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है एड्रेस ऑफ कि जो आपके मेमोरी का एड्रेस है वो क्या है ठीक है और ये जो है ये क्या बता रहा है वर्ड साइज मतलब आपने जो है कितने डेटा को स्टोर किया है तो ये आपका क्या हो जाएगा टू की पावर फोर

वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट ठीक है और फोर बिट इक्वल टू वन नीबल ठीक है और और क्या भाई और सबसे छोटा क्या होता है आपका बिट होता है और आठ मिनट बिल के क्या बनाती है बाइट बनाती है और हाफ बाइट हाफ वाइट को क्या कहेंगे नीबल कहेंगे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिक्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक है ये चीज याद रखना ओके okay, अब हम बात करते हैं टाइप्स की टाइप्स ऑफ रजिस्टर टाइप्स ऑफ रजिस्टर हेडिंग डाल लो भाई सबसे पहला है आपका एड्रेस रजिस्टर एड्रेस एड्रेस से ही समझ पा रहे हो कि भाई अगर मुझे पर्टिकुलर किसी एड्रेस को ढूंढना है है ना या मुझे किसी एड्रेस को स्टोर करवाना है तो स्टोर एड्रेस तो क्या करेगा ये उस एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाएगा जिसे मुझे एग्जीक्यूट करवाना है एड्रेस एड्रेस से समझ पा रहे हो कि भाई एड्रेस से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे डेटा की तो कोई बात नहीं हो रही तो पर्टिकुलर मुझे जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है उस एड्रेस को क्या करेगा स्टोर करेगा ठीक है अब मैं यहाँ पर बोलूँ फोर जीरो में सिक्सटीन तो यहाँ पे मेमरी के एड्रेस का साइज क्या हो गया

क्या होगा जीरो टू इलेवन क्लियर है भाई इतना क्लियर है कोई डाउट हो तो पूछ लेना ठीक है इसके बाद आगे देखते हैं हाँ जी इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्यूमलेटर क्या आता है या तो एसी से मिल जाता है या तो कहीं कहीं पर डबल एसी से मिल जाता है मतलब ये इसके शॉर्ट फॉर्म है और एड्रेस रजिस्टर को आप एआर बोलते हो ठीक है अब एक्यूमलेटर क्या करता है एक्यूमलेटर क्या करता है जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होते हैं उनको स्टोर करवाने का काम करता है है ना इंटरमीडिएट क्योंकि कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, जो आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है लाइक like, जब आप एएलयू के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं है ना लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू सी और सी प्लस डी इज इक्वल ई तो भाई मुझे जब इसका जिसके

हम जो है एक्यूमलेटर को यूज करते हैं क्लियर है भाई क्लियर है कोई भी डाउट है तो पूछ लेना ठीक है एक जो है एक तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करवाता है 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 एक जो है, जो है, ये कभी कभी एज ए इनपुट का काम भी करता है सपोज यहाँ पे देखो सी आ गया और सी को फिर जो है ये जो आउटपुट थी आपकी इसको एज ए इनपुट का काम किया गया तो कभी कभी एक्यूमलेटर को हम एज ए इनपुट भी यूज करते हैं क्लियर है भाई ठीक है इनपुट फोर ए एल यू अब आप मुझे बताओ जो आपका एक्यूमलेटर है उसका साइज क्या होगा एक्यूमलेटर का साइज क्या होगा भाई एक्यूमलेटर के साइज की बात करूं तो एक्यूमलेटर का साइज क्या होगा ओके, okay. ये आपका एसी है इसका साइज क्या होगा पर्टिकुलर सेम आपके पास यही चीज है टर क्या है आपका कोई एड्रेस बता रहा है नहीं हम डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं है ना तो ये जो है जो आपके डेटा का साइज है वही होगा तो ये होगा आपका जीरो से लेके फिफ्टीन तक ठीक है क्या होगा जीरो से लेके फिफ्टीन तक क्लियर है, है ओके नेक्स्ट देखो भाई डेटा रजिस्टर नेक्स्ट टाइप आती है आपकी डेटा रजिस्टर डेटा रजिस्टर डेटा रजिस्टर डेटा रेजिस्टर डेटा रेजिस्टर आपका क्या कहता है यूज टू स्टोर डेटा मतलब डेटा को स्टोर करवाना या होल्ड करवाना डेटा या फिर आप कह सकते होल्ड डेटा डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम डेटा रजिस्टर का यूज करते हैं बस इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं आपका डेटा रजिस्टर की अगर मैं साइज की बात करूं सेम आपके पास मामरिक है, है तो डेटा रजिस्टर का साइज क्या हो जाएगा गेंद सिक्सटीन हो जाएगा क्योंकि एड्रेस की बात नहीं हो रही है डेटा की बात हो रही है और डेटा साइज जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है आपके वर्ड के साइज के ऊपर तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा जीरो से लेके फिफ्टीन तक क्लियर है भाई आगे देखो प्रोग्राम काउंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ये अक्यूमलेटर uh, और प्रोग्राम काउंटर की डेफिनेशन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है तो प्रोग्राम काउंटर आपका क्या करता है जो आपका स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके एड्रेस को क्या करवाता है स्टोर करवाता है क्लियर है भाई ठीक है और हर बार क्या होता है इंक्रीमेंट करता है वन से वन. Suppose अभी आपने यहाँ पे वन जीरू, वन जीरू, वन जीरू, पे जो जो है को था, जो है को किया था या फिर आप एक जंप करके बोलो एक अलग बात है लेकिन सीक्वेंस में तो ऐसे ही होगा वन जीरो टू वन जीरो थ्री तो इंक्रीमेंट होगा किससे बाय वन क्लियर है भाई यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लू सपोज आपके पास इंस्ट्रक्शन है थ्री हंड्रेड है ना थ्री हंड्रेड आपकी करंट इंस्ट्रक्शन है ये थ्री हंड्रेड जो है यहां पे आप हो अभी और ये आपकी थ्री हंड्रेड पे है ठीक है और बोल रहा है कि जो सीपीयू का जो है वो कितने बिट एड्रेस स्टोर करता है यहां पे सपोज सिक्सटी फोर बिट ठीक है तो अब जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी कौन सी एग्जीक्यूट करेगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी थ्री हंड्रेड तो 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 मतलब कर तो पे अभी है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी क्या होगी थ्री जीरो तरीके से आपसे जो है क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं क्लियर है भी? इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं है आपका बफर रजिस्टर नेक्स्ट टाइप आपकी बफर रजिस्टर या फिर जिसको आप टेम्पररी रजिस्टर भी कहते हैं टेम्पररी डेटा टेम्पररी रजिस्टर ठीक है टी आर जिसको आप बोल सकते हो तो बफर रजिस्टर हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर ठीक है मतलब टेम्पररी डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम इसका यूज करते हैं और इसका अगर मैं यहाँ पर साइज की बात करूं बी आर की तो ये भी क्या होगा 16 क्योंकि ये भी किसके ऊपर बात कर रहा है डेटा के ऊपर समझ में आया भाई आपका जो आ, 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 है उसका साइज भी 16 होता है आपका जो बफर रजिस्टर है उसका साइज भी जो है 16 होता है ठीक है तो ये और डेटा रजिस्टर उसका साइज भी 16 होता है ये सारे डिपेंड करते हैं डेटा के ऊपर ठीक है हाँ जी नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको आप आई आर भी कहते हो ये क्या करता है ये यूज करता है यूज टू स्टोर जो भी फैच इंस्ट्रक्शन है आपकी उनको क्या करवाता है स्टोर करवाता है ना जो भी आप जो अभी आपने फैच कर ली है मतलब जो आपने डेटा उठा लिया जिसके ऊपर आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं अगर मैं यहां पर कहूं कि सपोज आपको भूख लग रही है ठीक है भूख लग रही है तो आप जाओगे आपको आपकी मम्मी नहीं है ठीक है और आपको बनाना है और आपको खाना है आपको भूख लग रही है ठीक है और लेकिन आपको इतनी जल्दी भूख लग रही है कि आप कुछ और नहीं बना सकते लाइक रोटी बनाने तो आटा लगाना पड़ेगा ठीक है और ये तो आजकल बच्चे बनाते ही नहीं है सपोज आपका मन कर रहा है मैगी पास्ता और ये सारी चीजें खाने के लिए पास्ता बनाओगे तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा पहले उसको बॉइल करोगे देन बनाओगे सब्जी वब्बी काटोगे है ना अब आप सोच रहे हो चल यार मैगी पड़िए मैगी को ही खा लेते हूँ ठीक है तो आपने जो है सबसे पहले अपने माइंड में सोचा सोचने के बाद आपने मामरी जो है आपकी जो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे गए जहाँ पे वो मैगी का पैकेट रखा है भाई आप किचन में जाओगे किचन में ऐसा तो है नहीं कि स्लेब के ऊपर या गैस के ऊपर ही मैगी रखी है नहीं भाई कहीं ऐसा कोई कॉर्नर होगा आपके घर में स्लेब होगा या फिर आ, ऐसा एरिया होगा या फिर कोई डब्बा होगा जिसके अंदर जिसके अंदर आपकी मम्मी ने जो है मैगी के पैकेट को रखा है ठीक है तो आप वहाँ से उसको उठाओगे यानी कि आपने उसको क्या किया फैच किया है ना फैच किया फैच करने के बाद फैच हो चुका है अब उस पर करंट आप इंस्ट्रक्शन को करोगे या नहीं करोगे तो सेम काम आपका आई का है कि जब आपके हाथ में चीज आ जाएगी और आप उसके ऊपर एक्चुअल में ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो वही आपका आई होता है ठीक है मतलब मैगी बनाना जो है वो आपका क्या होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ठीक है क्लियर है भाई तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका आई जिसको आप मोड भी कहते हो ठीक है और ये जो मोड है या तो ये डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा ठीक है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग हो सकती है या इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो सकती है डायरेक्ट एड्रेसिंग की वैल्यू होती है जीरो और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की वैल्यू होती है वन ठीक है अब यहाँ पे देखो ऑपरेंट होगा और एक होगा ठीक है 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 इसका बेसिक जो सिनेरियो भाई ओपकोडिक वो है लाइक ए प्लस ए और बी ए और बी आपके क्या है ऑपरेंट और आपका ऑपकोड क्या होता है पर्टिकुलर आप उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं सपोज मुझे ए माइनस बी करना है या ए प्लस बी करना है या फिर ए मल्टीप्लाई भी करना है या जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया खाने पीने का कि आपको मैगी को क्या करना है बनाना है आपको मैगी को क्या करना है बनाना है तो आप वही है कढ़ाई लोगे उसके अंदर पानी डालोगे देन पैकेट खोलोगे फिर उसके अंदर डालोगे या फिर जो है आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो लाइक सब्जी वब्जी काट के और अच्छे से जो है टेस्टी बनाना चाहते हो नमक मिर्ची और डाल के तो भाई वो एक अलग से है ठीक है तो आप किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारा काम आ जाएगा आपका ओपकोड के अंदर समझ में आया भाई ठीक है तो ऑपरेंट होता है आपका जीरो टू इलेवन और ओपकोड होगा फोर्टीन और ये हो गया आपका फिफ्टीन कि instruction register का size भी क्या होता है 16, clear है clear है IR clear है 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 ठीक भाई बाकी ये ये जो आपका है, आपका हम में करेंगे जब एड्रेसिंग मोड आएगा तो हम वहां पर जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बाद हम देखते हैं स्टेटस रजिस्टर नेक्स्ट आता नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर आपका ये बताता है कि या फिर आप इसको फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं स्टेटस से ही समझ में आ रहा है कि स्टेटस बताएगा कि भाई जो आप जब आप पर्टिकुलर किसी के पास जा रहे हो कुछ मांगने के लिए भी सब सपोज आप अपने घर से किसी के अपने पड़ोस में गए आपने उनसे कुछ मांगा सपोज करो आपने उनसे आप बाइक मांगी है ना बाइक मांगी तो उन्होंने बोला कि अरे हम भी अभी जा रहे हैं कहीं पर आने के बाद ले लेना मतलब हम अभी बिजी हैं ठीक है जब फ्री होगी तब लेना दो केस हो सकते हैं या तो वो कहीं पर गए हुआ है एक तो ऑलरेडी जा चुका है एक वो जा रहे हैं और एक जो है वो फ्री है आप जाओ वहाँ से चीज उठाओ और अपना काम कर लो ठीक है तो स्टेटस रजिस्टर वही बताता है कि भाई अगर यहाँ पे जैसे ये ए एल यू है और ए एल यू से ही आपका जनरेट होता है स्टेटस रजिस्टर और यहाँ पे जो आपका एस है ये बताएगा ये इसकी वैल्यू जीरो है तो बताएगा कि भाई जो वेटिंग में है बिजी है या क्या है ये चीज बताएगा ठीक है तो ये सारी चीजें होती है तो स्टेटस आपका जो है स्टेटस बताएगा उसके बाद बात करते हैं इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स की इनपुट रजिस्टर इनपुट देने के लिए और आउटपुट रजिस्टर आउटपुट के लिए तो ये जो है आठ बिट का हो सकता है सोलह का हो सकता है बत्तीस का चौंसठ का सेम ही है इसका जो साइज है वो आठ सोलह बत्तीस चौंसठ हो सकता है ठीक है इसके बाद आता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ओके यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देती हुई जिससे आप चीजों को बता सको कि भाई आपको जो है समझ में आया है कि नहीं आया है तो ये आपके मामरी का साइज है फोर जीरो क्या क्या आपका प्रोग्राम काउंटर का साइज क्या होगा और आई का साइज क्या होगा ठीक है ये आपका होमवर्क है ये आपका होमवर्क है भाई ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है और फटाफट एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो कर लेते हैं उसके बाद जो बस वगैरह है और ये मामरी लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो हम कल की क्लास में देखेंगे ठीक है तो क्योंकि ओके अभी थोड़ा मैं जल्दी हमें क्लास बाइंड अप करनी पड़ेगी देखो मैमरी ऑपरेशन मैमरी पे आप किस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हो दो ही तरीके से कर सकते हो एक आप रीड कर सकते हो और एक आप राइट कर सकते हो ठीक है क्या कर सकते हो रीड और राइट कर सकते हो तो रीड आप कहाँ करोगे डेटा को आपको रीड करना है मतलब डेटा को आपको क्या करना है रीड करना है तो इसके लिए हम दो चीज यूज करते हैं एक होता है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर जिसको आप एम डी आर भी कहते हो और एक होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर राइट जहां पर आपको राइट करना है ठीक है तो रीड आपको करने के लिए जब आप डेटा को रीड करोगे वहां से आप अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप क्या करोगे सपोज अब आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो ठीक है तो हम क्या करते हैं पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं क्यों बुक्स पे पैसे खर्च किए लाइब्रेरी में से बुक को इशू करवा लेते हैं ठीक है क्या करते हैं लाइब्रेरी में से बुक को इशू करवा लेते हैं मुझे पढ़ना है मुझे रीड करना है है ना तो मैं गई लाइब्रेरी में सपोज हमारे टीचर ने सजेस्ट किया कि चलो वहां से जाके तुम ले लो हमारे टीचर क्या हो गई कंट्रोल हो गई उन्होंने मुझे बताया कि आप वहां से ले लेना मैं गई वहाँ पर और मैंने बुक को उठा लिया मतलब मैंने बुक को ले लिया तो ये आपका क्या है मेमोरी डेटा रजिस्टर मतलब डेटा जो है यानी कि जो आपकी बुक थी जो आपका डेटा था वो आपके पास में है आपने पढ़ने के लिए उसको ले लिया ठीक है एक होता है राइट सपोज जो है मैं आपकी टीचर ने बोला कि आपके आपके स्कूल में सपोज करो चार लैब है लैब वन लैब टू लैब थ्री और लैब फोर ठीक है ठीक है तो आपकी टीचर ने बोला कि लैब थ्री में जाना लैब थ्री में रेड कलर का रजिस्टर रखा है वहां पे जो है उसके लास्ट पेज में अटेंडेंस है वो मार्क करके आ जाना ठीक है पेज बनाया जहां पर आपको टिक लगा के आना है दैट्स इट तो आपकी जो मैम थी उन्होंने पर्टिकुलर एड्रेस बताया कि लैब नंबर थ्री में टेबल के ऊपर एक लाल रजिस्टर है जिसमें आपको टिक लगा के आना है तो क्या हो गया ये मामरी एड्रेस रजिस्टर है जहां पे आप क्या करके आए हो राइट करके आए हो समझ में आया तो जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मामरी एड्रेस रजिस्टर का यूज करेंगे और जब जब हमें रीड करना है किसी पर्टिकुलर डेटा को तो हम किसका यूज करेंगे मामरी डेटा रजिस्टर का ठीक है क्लियर है दोनों पॉइंट क्लियर है रियल एग्जाम्पल से क्लियर है तो एक बार थोड़ा सा जो है एम और एम देख लो मामरी डेटा रजिस्टर तो मामरी डेटा रजिस्टर क्या करता है retrieve. Retrieve लेना है ना डेटा फ्रॉम मेमोरी तो यहाँ पर मेमोरी क्या थी भाई आप जो है एक अपनी लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी क्या है ये पर एक ये, ये क्या है ये आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी यहाँ पर क्या है लाइब्रेरी क्या है मेमोरी है और मेमोरी में से आपने डेटा को क्या किया रिट्रीव किया बुक को लिया है तो डेटा आपने लिया है क्लियर है भाई तो सीपीयू सीपीयू क्या करता है इशू करता है रीड सिग्नल टू एमडीआर रीड करने के लिए भी आपने बुक को लिया क्यों है पढ़ने के लिए लिया है ठीक तो है तो मेमोरी डेटा रजिस्टर को रिट्रीव करना फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट है आपका राइट ऑपरेशन राइट ऑपरेशन में हम किसको परफॉर्म uh, किसको यूज करते हैं राइट किसको यूज करते हैं एम ए आर सॉरी एड्रेस रजिस्टर तो स्टोरिंग डेटा स्टोरिंग डेटा इन टू

लेकिन वहां पे जो है आपने मेमोरी में राइट कर दिया it, और आपने कुछ भी नहीं किया ठीक है और वो स्टोर हो गया आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर तो ये आपके मेमोरी के ऑपरेशन थे और मैं चाहती थी कि बस वाला टॉपिक भी हम आज कर लें लेकिन जो है अभी थोड़ी प्रॉब्लम मतलब मुझे थोड़ा सा काम है ठीक है तो बस वाला टॉपिक और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक आपका इनपुट ऑर्गेनाइजेशन रह गया है ठीक है तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई जो आपका रजिस्टर वाला है रजिस्टर में से क्वेश्चन आ सकता है बाकी इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी कुछ पर्टिकुलर हम टॉपिक डिस्क जो है एमसी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे कैसे जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ठीक है तो ये सारा मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ये आपके यहाँ पे ये बेसिक ऑपरेशन की किस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर ठीक है ये आपके सारे रजिस्टर्स हैं ये आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया मेमोरी में दो ही ऑपरेशन होते हैं डेटा और राइट और रीड ठीक है ये आपके बाकी के रजिस्टर्स हो गए आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया प्रोग्राम काउंक हो गया ठीक है सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो कहाँ जाएगी कहाँ पे स्टोर होगी किस तरीके से होगा कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्मड होंगे ये जो आपके दस ग्यारह ऑपरेशन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है और फिर जो है इसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके सारे जो है एड्रेस है कौन कितना होल्ड करता है ये कुछ एम सी क्यू है जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ठीक है तो क्लास को करते हैं यहीं पर खत्म क्योंकि सही तो बताऊँ तो हमारे घर में पानी आ गया और पानी मतलब नल आ गया और वो मुझे अभी मोटर वगैरह चला गया नहीं है, और अभी घर में कोई है भी नहीं ठीक है तो इसलिए इसलिए मुझे जल्दी क्लास को बाइंड करने पड़ रहा है अदरवाइज मैं ये पूरा टॉपिक आपको करवाने वाली थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे ठीक है क्योंकि लंबी तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस हमें जल्दी कवर करना है ठीक है फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है जितना करवाया है उसमें अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ठीक है अपने काम कमेंट करके डाउट पूछ लेना टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो ठीक है क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए आपको सुन के यकीन नहीं होगा एटी परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई ऐसा क्यों है अगर वीडियो देखते हो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कर दो क्या दिक्कत है सब्सक्राइब कर दिया करो ऐसे मत किया करो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है ठीक है फिर मिलेंगे इसी कल क्ला, की क्लास में डे टू के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू